कंजर्वेशन लॉस इन न्यूक्लियर रिएक्शंस इस वीडियो में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में कंजर्वेशन लॉस समझेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन में भी कंजर्वेशन लॉस होते हैं सबसे पहले हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन लेते हैं ए प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस क्यू जहां पे ए टारगेट न्यूक्लियस है स्मॉल ए इंसिडेंट पार्टिकल है कैपिटल एक्स प्रोडक्ट न्यूक्लियस है स्मॉल एक्स आउटगोइंग पार्टिकल है क्यू क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है ए प्लस ए को रिएक्टेंट्स कहते हैं और एक्स प्लस एक्स को प्रोडक्ट्स कहते हैं पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल नंबर प्रोडक्ट के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल नंबर के बराबर होता है इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट्स का टोटल मास नंबर प्रोडक्ट्स के टोटल मास नंबर के बराबर होता है यह है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर आप एक एग्जाम्पल भी देख रहे हैं यहां पर रिएक्टेंट का टोटल नंबर 226 है और प्रोडक्ट का भी टोटल मास नंबर 222 ट्वेंटी टू प्लस फोर यह भी 226 हो रहा है दोनों साइड 226 मैच हो गया ये होगा कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर नेक्स्ट वन इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आफ्टर रिएक्शन रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट्स का प्रोटॉन्स का टोटल नंबर और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के प्रोटॉन्स का टोटल नंबर ये मैच होना चाहिए ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यू 92 टू टू थर्टी फाइव के पास नाइन्टी टू प्रोटोन है इसका मतलब यह हुआ उसके पास प्लस नाइन्टी टू चार्ज है न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता रिएक्टेंस का टोटल चार्ज 92 टू है बेरियम का प्लस फिफ्टी सिक्स और क्रिप्टॉन का प्लस थर्टी सिक्स 56 और 36 को जोड़ें तो 92 होगा यानी कि प्रोटॉन का टोटल चार्ज प्लस 92 और रिएक्टेंस का टोटल चार्ज प्लस 92 है दोनों सारे प्लस 92 आया तो इसका यह मतलब हुआ कि चार्ज कंजर्व हो रहा है यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हुआ नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिएक्टेंस की रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम प्रोडक्ट की रेस्ट मास एनर्जी और कॉनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है यह होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट्स की रेस्ट मास एनर्जी और कॉनेटिक एनर्जी का टोटल प्रोडक्ट की रेस्ट मास एनर्जी और कॉनेटिक एनर्जी के टोटल के बराबर होती है यह है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अनदर वन इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रिएक्टेंट के मोमेंटम वेक्टर और प्रोडक्ट के मोमेंटम वेक्टर ये एक दूसरे के बराबर होते हैं रिएक्टेंट के मोमेंटम वेक्टर और प्रोडक्ट के मोमेंटम वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं यह है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लिया का टोटल एंगुलर मोमेंटम रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद बराबर होता है यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोडक्ट्स एल ए प्लस एल एज इक्वल टू एल एक्स प्लस एल एक्स यह होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा ओमेगा होता है तो एल को हमने ओमेगा से डोनोट कर लिया तो आई ओमेगा ए प्लस आई ओमेगा ए इज इक्वल टू तो आई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स ओमेगा एक्स जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और कैपिटल एल एंगुलर मोमेंटम है नेक्स्ट वन इज द कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियाई की पेरिटी रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद बराबर होती है तो यहां कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी हुआ अब पैरिटी क्या है पैरिटी से आशा है स्पेस इन्वर्जन में वेव फंक्शन का बिहेवियर यानी कि वेव फंक्शन का बिहेवियर जब स्पेस इन्वर्जन हो वह वेव फंक्शन जिसके लिए किसी पॉइंट एक्स वाई जेड और पॉइंट माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड के लिए इन्वर्जन एक समान होता है वेव फंक्शन एक समान होता है उसको तो हम कहेंगे सिमेट्रिक वेव फंक्शन यानी वह वेव फंक्शन जो पॉइंट एक्स वाई जेड और पॉइंट माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड के लिए समान हो वह कहलाएगा सिमेट्रिक वेव फंक्शन अब सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या हुआ सिमेट्रिक वेव फंक्शन वह वेव फंक्शन है जिसके लिए किसी पॉइंट एक्स वाई जेड पर वैल्यू पॉइंट माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एड पर जो वैल्यू है उसकी नेगेटिव होती है तो ये कहलाता है एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन अनेदर वन इज कंजर्वेशन ऑफ आइसोटोपिक स्पिन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के न्यूक्लियर रिएक्शन में इनिशियल व फाइनल स्टेट में आइसोटोपिक स्पिन वेक्टर बराबर होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन हो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन में इनिशियल और फाइनल स्टेट में आइसोटोपिक स्पिन बराबर होगी यह कहलाएगा कंजर्वेशन ऑफ आइसोटोपिक स्पिन टीए प्लस टीए इज इक्वल टू टीएक्स प्लस टीएक्स इनिशियल आइसोटोपिक स्पिन वेक्टर और फाइनल आइसोटोपिक स्पिन वेक्टर ये एक दूसरे के बराबर होता है नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर रिएक्टेंट का बेरियन नंबर और प्रोडक्ट्स का बेरियन नंबर एक दूसरे के बराबर होता है यानी वह न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इनका बेरियन नंबर एक समान हो कंजर्व हो तो ये यह कह कहलाएगा कंजर्वेशन और बेरियन नंबर अब एक रिएक्शन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस रिएक्शन में प्रोटॉन और एंटी प्रोटोन के पेयर प्रोडक्शन में बेरियन नंबर बी कंजर्व होता है पी इसके लिए बेरियन नंबर होगा वन पी बार जो कि एंटी प्रोटॉन है इसके लिए बेरियोन नंबर होगा माइनस वन तो रिएक्टेंट के लिए वन प्लस वन और प्रोडक्ट के लिए वन प्लस वन प्लस माइनस वन प्लस वन ये आएगा तो आप दोनों साइड जोड़ो तो बेरियोन नंबर टू आ गया यानी कि रिएक्टेंट का बेरियोन नंबर टू और प्रोडक्ट का बेरियोन नंबर टू ये दूसरे के बराबर हो गया री इक्वेशन कंजर्व हो गई लास्ट वन इज दी कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर जब भी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में किसी स्पेसिफिक जनरेशन का लेप्टॉन क्रिएट होता है या डिस्ट्रॉय होता है तो उसी जनरेशन का एंटी लेप्टॉन भी क्रिएट होगा या डिस्ट्रॉय होगा तो कोई भी रिएक्शन कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जो किसी स्पेसिफिक जनरेशन का लेप्टॉन क्रिएट करती है या डिस्ट्रॉय करती है तो उसी जनरेशन का एंटी लेप्टॉन भी क्रिएट करेगी या उसको डिस्ट्रॉय करेगी ये कहलाएगा कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर अब लेप्टॉन नंबर छह होते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन मियोन टाउ और उनके एंटी न्यूट्रिनोस एक रिएक्शन अब स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसका लेप्टॉन नंबर क्या होगा जीरो प्लस वन प्रोडक्ट का और इसी तरह रिएक्टेंट का भी जीरो प्लस वन आ गया दोनों साइड जीरो प्लस वन जीरो प्लस वन आ गया कि टोटल लेप्टॉन नंबर रिएक्टेंट का बना आ रहा है टोटल लेप्टॉन नंबर प्रोडक्ट का भी बना आ रहा है दोनों साइड वन आ गया तो ये रिएक्शन कंजर्व हुई इस वीडियो में हमने कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझा यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें थैंक यू धन्यवाद